कॉल करती हूँ। वो शायद फ्री होगा तो अमन बनाने में मदद कर देगा। पूछ ले। कैसे हो तुम? हेलो फरीदून, कैसे हो आप फ्री हो अभी? वैसे तो मैं फ्री ही हूँ। अच्छा वो क्या है ना, मेरे घर में ना कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मैंने ना हम दोनों के लिए कुछ प्लान किया है। तुम्हारे घर में कोई नहीं है? बस तुम मुझे 2 मिनट दे दो, मैं पक्का आ जाऊंगा। बस कहीं जाना नहीं है, ठीक है? मैं बस आ गया 1 मिनट में, ठीक है? और पर बहुत बर्फ हो रही है, स्नो आ रही है, तुम आ सकते हो ना? ठंड तो नहीं लगेगी ना? वैसे मुझे ठंड बहुत पसंद है, मैं आ रहा हूँ। बेटर आ जाओ, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है हम दोनों के लिए। आ जाओ आ जाओ, घर का एड्रेस तो तुम्हें पता ही होगा, आ जाओ जल्दी। वो आ रहा है अब, बाकी स्नोमैन वही बना लेगा। कितनी तेज हो। अरे यो, इसको तो मैं बाद में धो लूंगा, पहले एडिट से मिलना है। मैं 7 समंदर पार करके तेरे पास आ गया। तो मैं देख रही हूँ इतना हाफ है जो जा रहे हो। चलो चलो घर में चलते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? अंदर अंदर घर में जाके क्या करना, यहीं पे करना जो करना। तुम्हें मेरा स्नोमैन बनाना है। ओ माँ। क्या स्नोमैन बनाने के लिए मुझे इतने दूर से बुलाया है तुम? हाँ, तुम मेरे लिए स्नोमैन नहीं बना सकते, मुझे लगा तुम बना दोगे क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें ठंड नहीं लगती। हाँ ठंड तो मुझे नहीं लगती है, चलो तेरे लिए स्नोमैन बना ही देता हूँ। अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है, एक काम करो तुम स्नोमैन बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाती हूँ। कोल्ड कॉफी इतने ठंड में? कोल्ड कॉफी तुम्हें पसंद नहीं? तुमने तो कहा था तुम्हें ठंड पसंद है, इसलिए मैं कोल्ड कॉफी ला रही हूँ। हाँ हाँ मुझे पसंद है, तू लेकर आ, मैं स्नोमैन बना देता हूँ तब तक। लेकिन मैं अदिति के लिए बनाऊंगा स्नोमैन। यार गीला गीला लग रहा है पैर में, एक तो मैं धोकर भी नहीं आया, ऊपर से मुझे स्नोमैन बनाना पड़ेगा इसके लिए। कोई नहीं, हम बना ही देंगे, एमपी तो है। थैंक यू अदिति। वैसे अपने लिए क्या लाए हो? ये हॉट चॉकलेट है, मुझे ना ठंड बहुत गंदी लगती है, इसलिए ना मैं कोल्ड कॉफी नहीं हॉट चॉकलेट ही पीती हूँ हमेशा। हाँ अपने लिए हॉट चॉकलेट और मेरे लिए कोल्ड कॉफी। मम्मी तुमने तो वादा तुम्हें ठंड पसंद है इसलिए तो मैं कोल्ड कॉफी लाई थी, अब तुम्हें कोल्ड कॉफी नहीं पसंद। हाँ हाँ ठंड पसंद है, ठंड पसंद है मुझे, ये ठंड पसंद है। तेरे लिए तो मैं ये कोल्ड कॉफी भी पी जाऊंगा, पी लेता हूँ। ओए मम्मी,
ठीक हो जाओ ना तो स्नोमैन बना देना। अरे बागबान, आज बहुत सर्दी हो रही है ना? हाँ, ठंड तो बहुत हो रही है, दिख तो मुझे भी रही है। मैं सोच रहा था कि इस मौसम में तुम्हारे हाथ के चाय और पकौड़े मिल जाए, क्या मजा आ जाएगा। बहुत ठंड है मम्मी, और अगर पकौड़े प्याज और मशरूम वाले हो तो और भी मजा आ जाए। सही कहा बेटे। पकौड़े खाने हैं प्याज के, लहसुन के, मशरूम के, बस पूरे टाइम बा बेटी ऑर्डर देती रहो। हैं, मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ, दिन रात काम करती रहो, और अब देखो इनके लिए पकौड़े और अलग से बनाओ। हाँ बागबान, तुम्हारा फर्ज है तुम्हारा पति की सेवा करना। यार मम्मी, आपका फर्ज है हमें खिलाना, हमें पालना, आप माँ हो ना। अच्छा, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, और तुम बेटी बाप का क्या फर्ज है? ला रही हूँ पकौड़े और तुम्हारी चाय। काम के हाँ मम्मी, प्लीज प्याज वाले ज्यादा बनाना। देखा बेटा, तेरा बाप की एक्टिंग कितना बढ़िया है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर दे आप तो। बहुत गर्मी हो रही है, हीटर पापा जरा बढ़ा दो, मैं बढ़ा देती हूँ। ये हीटर ने बंद कर ले तेरा बाप बिल भरेगा। वो मम्मी, बिजली के बिल भरता तो है पापा ही भरता है, आप तो भरती नहीं हो, आप कितनी टेंशन ले रही हो, मैं तो हीटर चलाऊंगी। अब हीटर बढ़ा दिया ना और मजा आएगा। क्यों ना मानने की। मम्मी बंद मत करो यार, बंद मत करो यार, मेरे को फिर से चलाना आता है हीटर। समझ नहीं आ रही तुझे? अब तूने हीटर ऑन किया, तेरी टांग काट दूंगी। पापा बोलो ना मम्मी को। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी बोलता हूँ। अब क्या बोलेगा तेरा बाप, बोलियो। अरे बेटा, तुम दोनों की लड़ाई है ना, तुम अपने बीच में ये सब खत्म करो ना, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? समझ जाओ दोनों की दोनों। बागबान, अगर वो चाय बन गई है ना, जरा वो लाना। तभी पापा कहते हैं मर्द हमेशा नीचे ही रहता है। नहीं है, मुझे पकौड़े खाने। दादी अम्मा उठ गई? नहीं उठ गई। क्या है मम्मी, सुबह सुबह चिल्लाए जा रही हो, चिल्लाए जा रही हो, कान में से खून निकाल दिया, क्यों चिल्ला रही हो? आ जा जल्दी, स्कूल का बाप जाएगा। कपड़े ढूंढ रही हूँ स्कूल के, मिल ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? पता नहीं कहाँ रख दिए, स्कूल की तो छुट्टी का मिली, पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ रख दे दिए, और ऊपर से ये सॉक्स भी फटी हुई है, ऐसी जुराब पहन के जाऊंगी। अब तो नीचे आके बात कर रही हूँ, अभी आती हूँ। क्यों रो रही है? स्कूल के कपड़े नहीं मिल रहे, कब से ढूंढ रही हूँ, और मुश्किल से ये सॉक्स मिल गए, देखना इसमें छेद है, क्या जाऊंगी मैं, कितनी ठंड हो रही है बाहर। ऐ तेरा बाप और मैं भी तो जाते थे बर्फ में, वो भी नंगे पाँव, तेरे अलग रख रहे हैं। क्यों, आपके जमान में चप्पल नहीं थी क्या? देखो भाई, मम्मी पापा आप दोनों सॉलिड हो, मैं नहीं जा सकती फटी हुई जुराब में स्कूल। नहीं खरीद के दो यार।
ठीक है मुंह मत खुला, सिल लूंगी तेरी जुराब, ला दे। सिल नहीं है ना तो सिल दो, ऊपर स्वेटर भी पड़ा है वो भी फटा हुआ है उसको भी सिल दो ना। शर्म नहीं आती अपनी माँ को जुराब मारी है मुंह पर, सिल दूं तेरी जुराब को। हर चीज में लगा एक लड़की की, हमारे जमाने में भी सॉक्स होया करते थे, हमारे माँ बाप के आगे हमने तो चूनी करी, इनकी देखो कितनी जवाने चलती है। आज तेरी गीली टांगे कौन देख रहा है, सॉक्स चाहिए स्वेटर चाहिए हमें, देखो आज तक एक ही कपड़े में दौड़ रहे, तेरे बाप को देख ले एक ही कच्छा पूरा साल चलाता है, तो तुम्हें चाहिए हर तीसरे दिन नए नए कपड़े। सही है, माँ काम करे बाप मेहनत करे और बच्चे लौटाते रहे, सही है सही है। कोई काम के नहीं हो और वो ना लाए गया मैच खेलने, उसे आने दे उसकी और तेरी टांगे तोड़ूंगी दोनों। ओए मां ले पकड़, मुंह पे क्यों मारी, इतनी मेहनत से सॉक्स तो सील दी, यूं नहीं कि नई यूनिफॉर्म ही दिला दो, सबके पास नई यूनिफॉर्म है और आप हर बार ऐसी कर दियो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है मम्मी। हां नहीं दो, जल्दी चली जा तेरा प्रिंसिपल मुझे कॉल करेगा, जा 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 रही हूँ स्कूल, बड़े टॉप कर लूंगी। पता है टॉप नहीं करेगी, कम से कम पास हो जाइयो। अरे ये चाचा दद्दर बच्चे पैदा करने का क्या मतलब, जब काम एक भी नहीं आते, सिंगार करने में लगी हुई है, पता नहीं क्या मिस वर्ल्ड बनेगी क्या बनेगी। नमस्ते आंटी। अबे बेटा नमस्ते नमस्ते, तुझे बड़ी ठंड लग रही है, क्या हो गया? अरे आंटी बहुत ठंड है, मैं तो 10-15 कपड़े पहना है फिर भी मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड है बाहर, बर्फ पड़ रही है बर्फ। ओए मां क्या बोला, अरे बर्फ, हाँ बर्फ तो पड़ रही है, तो यहाँ थोड़ी पड़ रही, तुझे यहाँ भी ठंड लग रही है, पार्टी के लिए तैयार, चाय कॉफी लाऊं तेरे लिए? अरे नहीं नहीं आंटी, चाय कॉफी नहीं पियेंगे, बस अदिति आ जाए ना हम जाएंगे क्योंकि लेट हो रहा है। आ जाएगी, सिंगार कर रही है मैडम, और पार्टी वार्टी तुम्हारा जश्न हो जाए तो घर आ जाना सीधे, कहीं इधर उधर मत चले जाना, बता देती हूँ अभी से। अरे अरे नहीं नहीं आंटी, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, अगर मैंने लेट घर पहुंचा ना मेरे पापा मेरे टांके काट के कुत्तों को खिलाएगा। तुम्हारे पिताजी को मेरा नमस्कार कहना। अच्छा तुम भी काफी अपने पापा पे गए हो बेटा, हेलो आ गई हमारी लड़की भी आ गई है, इसको नहीं लगती ठंड वंड। Hey guys, कैसे हो आप लोग? तो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वो चोर, बाहर बर्फ पड़ रही है और तुम ऐसे आधे कपड़े में कहाँ जा रहे हो? चुप कर, मुझको डर नहीं लगती, तुम मैं देखो कितनी ठंड लग रही है, और वैसे भी ये छोटी मोटी बर्फ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ जाके खाना बनाओ। मेरी मैक्सी है, जब जाएगी ना तो पड़ोसियों को देख के जाइयो, ना नहीं तो ना तो पैर पे ही होगी, नंगी नंगी टांगे लेके जाती है। जाओ बेटा टाइम से आ जाना दोनों। बताया नहीं तुमने कि मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो, पर देख लेना बाहर बर्फ पड़ रही है। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, चलो। हाँ जल्दी आ जाओ, गाड़ी बाहर करे, चलो चलते आ जाओ। क्या कर दिया मैंने, बाहर तो बहुत ठंड है, इस फैशन के चक्कर में
आधे कपड़े पहन लिए, मुझे जैकेट कोट ले लेना चाहिए था, क्या करूं? अरे अदिति, लगता है तुम इस बर्फ के जैसा जम गए हो। चलो ना जल्दी चलते हैं, लेट हो जाएंगे। मुझे मुझे ठंड नहीं लगती, वो तो बस ऐसे ही मौसम देख रही थी खड़े होकर। तुम एक काम करो ना, गाड़ी ऑन करो, हीटर वीटर ऑन करो। मैं बस आई, मैं गाड़ी ऑन करता हूँ। इस ठंड में चलूंगी कैसे? आ जा दीदी, जल्दी भेज जाओ। गेट खोल जल्दी। अरे इसको इतना जल्दी क्यों हो रहा है? अच्छा, इसको तन लग रही है। वैसे तो इस हीरोइन को तन नहीं लगती थी, अब क्या हुआ? चलो इससे मजे ले लेता हूँ। आ जा। कहाँ खोल रहे थे? देर से बचाया जा रही हूँ। गेट खोल, देख बहुत ठंड है यहाँ पर, मैं जम जाऊंगी। खोल यार गेट, खोल। कैसे नहीं खुल रहा है? आ जा, मैंने तो खोला है। अबे खोल दे गेट। अरे खोला तो रखा है, आ जा। अबे खुल क्यों नहीं रहा? मैं मर जाऊंगी। देख यहाँ पे बर्फ की बारिश हो रही है। गाइस, तो कैसे आप सब, और कैसी लगी आपको वीडियो, और ये ठंड कैसी जा रही है? यहाँ पे तो बहुत बर्फ पड़ रही है जैसे आप मेरी वीडियो में भी देख रहे हो, और बहुत ठंडी हो रही है। कोई बात नहीं, इससे भी खतरनाक बर्फ देखने जा रही हूँ मैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पर टिके रहना, चैनल पर टिके रहना। मिलती हूँ जल्दी प्यारी सी लवली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।